पर हमला करते हो, लेकिन हमारी मज़ाहमत उन राहों से गुजरेगी कि जहाँ पे तुम्हारे जो बुज़दिल भेड़िए हैं वो शिकार के लिए नहीं निकल सकते। तुम वो बुज़दिल रियासत हो कि जो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जो हक पर खड़े हैं। तुम जीत नहीं सकते क्योंकि जंग का फैसला अवाम करते हैं और बलोच आपके हाथों मरने से इनकारी है। यह आपकी बुजदिली का सबूत है कि आप अपने कानून के तहत दहशतगर्द का टैग लगाकर उठाए गए एक शख्स को अपनी अदालतों में पेश करने से डरते हो, क्योंकि आपके पास हजारों लापता अफराद के केसेस में एक भी ऐसा केस नहीं है कि जिसमें किसी नौजवान पर कोई भी जुर्म आयद होता हो। बलोच की सबसे बड़ी इस वक्त कामयाबी यही है कि बलोच ने जान लिया है कि इस रियासत के साथ मुंसलिक होकर उसकी हैसियत एक गुलाम से बढ़कर नहीं है। लेकिन बलोच इस गुलामी के खिलाफ वो मज़ाहमत कर रहा है कि ये रियासत अपनी तमाम तर मशीनरी के साथ इस वक्त हमारे सामने शिकस्त फाश खा चुकी है। हम देखते हैं कि इस रियासत ने बलूचिस्तान को अपने जंगी जराइम का गढ़ बनाया है। इसने हमारी सरजमीन को, हमारी गुलजमीन को अपने लिए लेबोरेटरी बनाया है। यहाँ उसने चागी में अपने तजर्बे किए, वहाँ उसने डेरा गाजी खान में मिसाइल के तजर्बे किए। लोग जान चुके हैं कि इस रियासत के आईन की क्या हैसियत है। लोग जान चुके हैं कि इस रियासत ने अपनी बद तहजीबी को, अपने गैर इखलाकी कारनामों को, अपने जबर को, अपने जो है ना गैर कानूनी कब्जे को तकवीयत देने के लिए जुडिशरी के नाम पर, अदालतों के नाम पर, पार्लियामान के नाम पर बद तहजीब कॉमेडी के स्टेज सजा के रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 70 सालों में ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान के साथ बलोच का फलाह किसी सूरत मुमकिन नहीं। तुम